बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बेटा, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी, जाइएगा नहीं क्लास के बाद। बेटा कल हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल में हीट और वर्क के बारे में डिस्कस, पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो किसको कहा जाता है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। बेटा किया था फर्स्ट लॉ का या नहीं किया था? तो बेटा उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं तो जो भी हम हीट देते हैं वो दो तरह से यूटिलाइज हो सकती है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर जा सकती है और दूसरा उसके नतीजे में वो सिस्टम वर्क कर सकता है, ठीक है। और उसकी इक्वेशन भी शायद हमने डिस्कस की थी कि जो हम डेल्टा क्यू देते हैं, ठीक है, जो डेल्टा क्यू हीट देते हैं वो दो कामों में इस्तेमाल होती है, एक चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में होती है, प्लस उसमें से क्या बनता है, हमें वर्क मिलता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हीट और वर्क जो है ये दोनों डिपेंड करते हैं पाथ पे, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी की चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हीट और वर्क जो होते हैं वो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। बेटा देखिए, बेटा अब इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बेटा साइन कन्वेंशंस हैं, इसके बारे में बेटा कुछ कन्वेंशंस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। ये बेटा होती है कन्वेंशंस, ये सॉरी ये जो बेटा इसकी है, हमारे पास हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज है बेटा, ये यहाँ पे होती है, ये हमारे पास होती है बेटा, ये साइन कन्वेंशंस होती है। अब इन चीजों को बेटा हमने फॉलो करना होता है जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको तीन चीजों के दरमियान रिलेशन बताता है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको जो रिलेशन बताता है वो बताता है बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दोगे तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर ये हीट जो हम देते हैं ये इसकी हीट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी कर सकती है, और इसमें से हमें क्या मिल सकता है बेटा, वर्क भी मिल सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये हीट सप्लाइड के बारे में भी बताता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में, और वर्क तीनों के दरमियान हमें रिलेशन बताता है कि जो हीट है वो वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों में जा सकती है, या जो वर्क होता है वो हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों में जा सकता है, या जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट या वर्क दोनों में जा सकती है। तो ये रिलेशन हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है कि जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं, जो हीट थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अंदर जाती है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो हीट उस सिस्टम से बाहर आती है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव। जैसे ये है, यहाँ पे हीट जो होती है इसके बारे में कहा गया है कि ये जो हीट होती है ये क्या है बेटा, लेस देन जीरो। ये हीट अगर लेस देन जीरो है,
मीन्स ये हीट कौन सी होती है बेटा, हीट निगेटिव है। अब बेटा देखें ये यहां पे अगर हम देखते हैं बेटा कि इसके अंदर ये देखें बेटा, ये देखें कि वर्क जो होता है वो बेटा ग्रेटर देन जीरो, एनर्जी रिमूव्ड, ठीक है। देखें बेटा वर्क ग्रेटर देन जीरो, एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अब ये एनर्जी कौन सी है बेटा, ये एनर्जी बेटा ये होती है जो आप हीट देते हो वो एनर्जी जाती है सिस्टम में और सिस्टम से ये वर्क में आउट आती है बेटा। इसको हम कहते हैं कि जब ये वर्क ग्रेटर देन जीरो होता है, मीन्स ये सिस्टम वर्क करता है, जब सिस्टम वर्क करता है तो किसके ऊपर वर्क करता है, सराउंडिंग के ऊपर। इसका मकसद है कि सिस्टम ने वर्क की सूरत में अपनी एनर्जी किसको दे दी, सराउंडिंग को दे दी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क जस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी एनर्जी किसी और चीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जब वर्क सिस्टम करता है, मींस वर्क किसके ऊपर करता है बेटा, सराउंडिंग के ऊपर, जब एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन के ऊपर जो वर्क हो रहा होता है वो किसके ऊपर हो रहा था बेटा, सराउंडिंग के। तो जब वर्क सराउंडिंग के ऊपर होता है ना बेटा, जब वर्क सराउंडिंग के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम जो होता है वो अपनी एनर्जी वर्क की सूरत में किसको दे रहा होता है, सराउंडिंग को। तो वही बात कही गई है कि वर्क ग्रेटर देन जीरो देन एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, मींस सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दे दी बेटा, सराउंडिंग को। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन कहते हैं। अब वर्क लेस देन जीरो मींस जब वर्क सिस्टम के ऊपर होता है, जब सिस्टम के ऊपर होता है मीन्स वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग। सिस्टम के ऊपर वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग। जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा तो सिस्टम के ऊपर कौन वर्क करेगा, सराउंडिंग करेगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है तो वो वर्क क्या हो जाता है, वो वर्क हो जाता है निगेटिव, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है बेटा, वर्क लेस देन जीरो, एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग वर्क करती है सिस्टम पे। सराउंडिंग किसके ऊपर वर्क करती है, सिस्टम के। इसका मकसद है सराउंडिंग की एनर्जी किसमें जा रही है, सिस्टम में। ये हीट सप्लाई नहीं है क्या, इसको हीट सप्लाई नहीं समझे, ये वर्क की सूरत में जो एनर्जी आ रही होती है बेटा। तो आप कहेंगे एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन होती है बेटा। अब देखिए वही जो है वो चीज कही गई है कि जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो ये वर्क क्या होता है बेटा, नेगेटिव। एरो देखिए बेटा वर्क सिस्टम के ऊपर है तो वर्क क्या हो जाता है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन साइन कन्वेंशंस को आपको फॉलो करना है जब आप इस्तेमाल करते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरी बात जो हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। जबकि वर्क और हीट सप्लाइड दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। अब देखिए क्वेश्चन देख ले इसके हिसाब से, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं बेटा। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रीचेज फ्रॉम
इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू बी यूजिंग टू डिफरेंट पाथ्स एज शोन। ठीक है, तो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट करते बेटा, इसको कहे फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट बेटा। बी मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बेटा। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बेटा। देखिए बेटा, अब ये सिस्टम है बेटा, और ये सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो ए से बी की तरफ गया बेटा इस तरह से। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये दो प्रोसेसेस इस्तेमाल किए बेटा। देखिए पाथ दो है, मींस प्रोसेस कौन से इस्तेमाल किए गए बेटा, प्रोसेस दो इस्तेमाल किए हुए। सपोज करें एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक आइसोथर्मल है, सपोज कर लेते इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, लेकिन दो डिफरेंट पाथ से गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उमरकोट से मीरपुर खास जाऊं, या तो सीधा रास्ता दे के जाऊं, या तो मैं यहां से जो है वो मिट्टी से घूम के मीरपुर खास जाऊं। देखिये इनिशियल वही मेरी उमरकोट और फाइनल वही मीरपुर खास, लेकिन मैं दो रास्ते दे के जाता हूं। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है कि इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसके अंदर चेंज आइए इनिशियल स्टेट से वो कहां पे चला गया, फाइनल, और दो पाथ से गया है। अब इन दोनों पाथ पे के इंटरनल एनर्जी की जिसमें आई है या डिफरेंट आई है। देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी की चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती, दोनों पाथ की इनिशियल स्टेट इनिशियल पॉइंट कौन सी है, ए है, और दोनों की फाइनल पॉइंट कौन सी होती है, बी होती है। तो दोनों के अंदर चेंज इन इंटरनल क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। तो आप कहोगे कि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं बेटा, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है बेटा। ठीक है, इसमें से दोनों ऑप्शन में कोई हो सकता है, ये नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि दोनों में इंटरनल एनर्जी क्या बोल रहा है, डिफरेंट बोल रहा है। अब देखें इसके अंदर यहाँ पे ये क्यू वन है बेटा, ये क्यू वन है बेटा। ठीक है, क्यू वन जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, क्यू टू होता है। अब देखिए बेटा, ये क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू होगा या क्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू होगा, अब इसका फैसला करना है। देखिए बेटा, अब अगर पाथ वन करते हैं आप बेटा, तो ये आप इस तरह से बना लें बेटा कि ये पाथ वन है। अगर ये पॉइंट ए है बेटा और ये पाथ बी है बेटा, ये क्या आती है बेटा, ये इसकी एरिया अंडर कर्व आती है, मीन्स इस सिस्टम का वर्क डब्ल्यू वन है। और दूसरा ये बेटा, ये हमारे पास है बेटा ए से बी की तरफ, और ये बेटा इसका वर्क है बेटा, ये इसका वर्क डब्ल्यू टू है बेटा। कौन सा वर्क ज्यादा है बेटा, W1 ज्यादा है W2 ज्यादा है, सिंपल सी बात है बेटा। W2 क्या होता है, W2 कम है और W1 क्या है, ज्यादा है, मींस वर्क और हीट दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। तो बेटा इस पाथ से हीट ज्यादा दी गई होगी तब ज्यादा वर्क हुआ है, और इस पाथ से हीट कम दी गई है तभी वर्क क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस तरह से हमें देखना होगा, वर्क और हीट का अगर देखना है तो इस तरह देखना होगा, अगर खाली इंटरनल एनर्जी का देखना है तो फिर हमें क्या करना होगा बेटा, पाथ को
देखना होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को देखना होगा, पाथ को देखना नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हीट और वर्क दोनों किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो हीट और वर्क दोनों जो है वो पाथ पे डिफरेंट हुए हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी बेटा ये तो नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है बेटा? ये ऑप्शन हो सकता है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं आगे, हमारे पास जो है वो स्पेशल जो है वो कुछ कंडीशंस दी गई है, फर्स्ट लॉ के स्पेशल केसेस है बेटा। देखिए बेटा, आपको फर्स्ट लॉ के स्पेशल केसेस है, इसके अंदर है हमारे पास एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस किसको कहा जाता है बेटा? प्रोसेस हैविंग इनिशियल स्टेट देखिए बेटा, ऐसा जो प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कल हमने किया था ये वाला, जो हमने कल क्वेश्चंस में किया था कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इस तरह से अगर जाता है पर और बी से जाए सी के ऊपर और सी से किस तरफ जाए ए के, ए से स्टार्ट हुए और हम वहां पे कहां पे आ गए? ए पे। ये साइक्लिक प्रोसेस है, या इस तरह से हो बेटा कि ये साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं कि जिनके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट कौन सी होती है? सेम होती है बेटा। ये इनिशियल है, अगर इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के हम वापस पोजिशन ए पे आ जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा है कि हमने P1 V1 T1 से शुरुआत करते हैं और आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करके, आइसोथर्मल कंप्रेशन करके, एडियाबेटिक कंप्रेशन करके, चार प्रोसेसेस के बाद हम वापस कहाँ पे आ जाते हैं? P1 V1 और T1 पे आ जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। बेटा ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है आपका कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क नहीं होता। बेटा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता इस चीज का, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो है वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। बाकी वर्क जरूरी नहीं है जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क हो सकता है, जितनी आप हीट दोगे ना उतना ही वर्क होता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। वर्क जीरो जरूरी नहीं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद होता है। आप इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम नहीं देखोगे कि आप ये कहोगे इनिशियल वॉल्यूम सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम, सेम चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ऐसा नहीं होता साइक्लिक के अंदर, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस मुख्तलिफ प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है। जैसे आप कार्नोट इंजन को देख ले, उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो हर चीज का वर्क अलग आप देखोगे। ऐसा तो नहीं आप कर सकते कि इनिशियल जो है वो आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसका पहला प्रोसेस है और एडियाबेटिक कंप्रेशन उसका चौथा प्रोसेस है। अब आप फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को आखिरी एडियाबेटिक कंप्रेशन से तो कंपेयर नहीं करोगे,
हर एक प्रोसेस का अपना जो है वो अलग से वर्क होता है, फिर हम नेटवर्क देखते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कि हम बोल देंगे इसके अंदर वर्क जीरो होता है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल, उसकी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की कंपैरिजन जब की जाती है तो देखा जाता है कि ये कितने प्रोसेसेस से गुजर के यहाँ पे आया है बेटा। तो आप कहेंगे बेटा जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर के मेथड्स ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, मेथड्स ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी अगर आपने चेंज करनी है, अगर आपके पास जो है वो चेंज करनी है बेटा आपने क्लोज्ड सिस्टम की बेटा, बेटा क्लोज्ड सिस्टम का मकसद है ऐसा सिस्टम जिसमें हीट आ भी सके और जा भी सके, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो बेटा क्लोज्ड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक ये होता है कि या उसको हीट दो या उसे हीट ले लो वापस। अगर आप हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप हीट उसे ले लोगे तो उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बढ़े या कम हो। मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भेजोगे सर आइसोथर्मल में नहीं होता, हम पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़े या हीट लेने के बाद टेम्परेचर कम हो। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी जो है वो हीट लेने से कम हो सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी क्लोज्ड सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है तो हम हीट के थ्रू टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं, पहला तरीका ये होता है कि बाय सप्लाइंग हीट, बाय सप्लाइंग हीट और बाय बेटा सिस्टम को हीट देने से या सिस्टम से हीट लेने से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। दूसरा बेटा बाय वर्क, बेटा सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो उसका टेम्परेचर जो है बेटा इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, या सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे फर्क आ सकता है। तो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हीट आ भी सकती है जा भी सकती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी को थ्रो हीट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका होता है, और वो तरीका जो होता है बेटा वो होता है सिर्फ डूइंग वर्क का बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्लोज सिस्टम है, लेकिन अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी हीट को चेंज करने का जो है वो टेम्परेचर को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बाय वर्क, ठीक है। बुक दे दे मुझे, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद क्या एक छोटा सा टॉपिक है बेटा। देखिए बेटा बुक खोले, इसके अंदर बेटा पेज नंबर 23 पे दिए गए स्पेशल केसेस, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दिए गए बेटा। लेट अस लुक एट सम स्पेशल केसेस, फर्स्ट कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा कंसीडर करेंगे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट इज व्हिच डज नो एक्सटर्नल वर्क। आइसोलेटेड सिस्टम है मींस हीट ना आनी है ना जानी है, और वो वर्क भी नहीं करता। अगर हीट भी आनी जानी नहीं
नहीं है और उसमें वर्क भी वो नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वर्क होगा ही नहीं, इसका मतलब ये कि हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो वर्क नहीं करता। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि आइसोलेटेड सिस्टम वर्क नहीं करता, आइसोलेटेड सिस्टम वर्क कर सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क होता है या नहीं होता, ये आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वर्क होता है, इस लाइन का ये कतई मकसद नहीं है कि आइसोलेटेड सिस्टम वर्क नहीं करता। देखिए इसमें कहा गया लेट फर्ज करें, स्टेटमेंट में कहा गया फर्ज करें कि वो वर्क नहीं करता, ये नहीं कहा गया कि वो वर्क नहीं करता। भेज देते हो कि सर ये देखें लाइन में, देखे तो सही, अंग्रेजी की डिक्शनरी हो तो देखें, या उस्ताद कोई अंग्रेजी का होगा उसे पूछे कि लेट का क्या मकसद होता है, फर्ज करें। इसका मतलब ये नहीं होता। लेट अस लुक एट सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज व्हिच डज नो एक्सटर्नल वर्क, जो वर्क नहीं करता, एंड देयर फॉर नो फ्लो ऑफ हीट, और उसमें हीट की फ्लो भी नहीं होती। देन फॉर एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन सच अ सिस्टम, अगर उसके अंदर कोई सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई प्रोसेस होता है, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो तरीकों से चेंज होगी, या हीट बाहर से आए या जाए, या वर्क आए या जाए, बाकी कोई तरीका नहीं है हीट को, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, गाड़ी को धक्का लगाने के लिए आपको बाहर उतरना पड़ेगा, आप सिस्टम से बाहर आएंगे। जब आप गाड़ी के अंदर हो तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर से कोई प्रोसेस अगर होता है तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा किससे होती है, बाहर के प्रोसेस से होती है। एंड डेल्टा यू टू माइनस यू वन जीरो आर डेल्टा यू जीरो व्हिच सेज दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स इंटरनल अगर वर्क भी नहीं करे, अगर इसमें से हीट ना आए ना जाए, न इसके ऊपर वर्क हो न ये वर्क करे, इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड by any process, mechanical, electrical, chemical or biological, taking place within the system. Within the system जो होता है ना वो internal energy change नहीं करेगा। The energy of a system can be changed. Energy of a system can be changed only, ठीक है, only word इस्तेमाल किया गया, by a flow of heat across its boundary or by the performance of a work. Now consider a process in which the system is taken through a cyclic process, that is one that starts and ends up at the same state. In this case the change in the internal energy is zero, theek hai, work ka nahi kaha gaya, change in internal energy zero, therefore total heat supplied kiske andar chali jayegi, total heat supplied chali jayegi.